सुगैस, ये आपकी अपाची RTR 180 जो कि 2017-18 का मॉडल है और इसको करेंगे रिस्टोर। ओवर कंडीशन आप देख सकते हो कैसी है, देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये सब घट रहा है। ये देखो कि नीचे के हिस्से के जो पार्ट है लाइक अलॉय व्हील वगैरह हो गया या इंजन वगैरह हो गया, इसको करेंगे ब्लैक में। इसको कर रहे हैं लेमिनेशन, यानी कि इसको व्हाइट कलर का रैपिंग करेंगे फिर उसके ऊपर से लेमिनेशन करेंगे, क्योंकि पेंट नहीं करवाएंगे। नीचे के हिस्से के पेंट होंगे, ऊपर के हिस्से को सिर्फ और सिर्फ कराएंगे रैपिंग, ग्राफिक करवा रखे हैं, ऐसा लगेगा आपको पेंट हो चुका है। ये देखो तो ये कंप्लीट है। आपने देखा होगा अपने यूपी साइड में काफी लोग लगाते हैं रस्सी, ये है। अब इस पे किया जाएगा पेंट। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट, आपका दोस्त, ले आपके लिए कोई टॉपिक, एक और ना वीडियो है, नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा, आज है पूरी की पूरी वीडियो TVS अपाची RTR पर, और ये जो मॉडल था ये 16-17 का मॉडल है, उसको करेंगे रीस्टोर, यानी कि इसमें पहले की जाएगी सर्विस, उसके बाद की जाएगी वैसे पेंट का काम। लाइक उसके ये वाले पार्ट्स होते हैं ना, ये नहीं, ये अपने इंटरसेप्टर है, जो नीचे के पार्ट्स हैं यानी कि इंजन वगैरह हो गया, अलॉय व्हील हो गया, चेन सेट का कवर हो गया, ये सब चीज़ें करेंगे मैट ब्लैक में या ग्लॉसी ब्लैक में, इनमें से एक लिया जाएगा। उसके अलावा पूरी बॉडी को रैपिंग करेंगे, यानी कि पेंट नहीं करेंगे, रैपिंग करेंगे। आप पेंट भी करा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि कस्टमर किस हिसाब से चाहता है। तो गाइस, वाली अपाची का जो कॉन्सेप्ट है वो है रैपिंग प्लस पेंट। इसके अलावा गाइस, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी की जाएंगी, उसको करेंगे लुक लाइक बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला मॉडल आता है उस तरीके से टच देंगे, और लेटेस्ट वाला नहीं तो कुछ अलग सा कुछ ना कुछ करेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलो करना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग बॉक्स एंड वीडियो लाता रहता हूं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। के आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो गाइस, ये आपकी अपाची RTR 18 का मॉडल है और इसको करेंगे रीस्टोर, यानी कि इसकी ऑल ओवर कंडीशन आप देख सकते हो कैसी है। इसका जो पेंट वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये सब घट रहा है। ये देखो तो ये सब कभी खत्म हो चुका है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये जो इसके नीचे के हिस्से के जो पार्ट है लाइक अलॉय व्हील वगैरह हो गया या इंजन वगैरह हो गया, इसको करेंगे ब्लैक में। अब वो मैट हो सकता है या शाइन हो सकता है। और गाइस, ये जो पार्ट्स हैं इसको कर रहे हैं लेमिनेशन, यानी कि इसको व्हाइट कलर का रैपिंग करेंगे फिर उसके ऊपर से लेमिनेशन करेंगे। सो गाइस, जो इसके ऑल ओवर पार्ट्स हैं इसको करेंगे व्हाइट कलर की ग्राफिक, क्योंकि पेंट नहीं करवाएंगे। नीचे के हिस्से के पेंट होंगे, ऊपर के हिस्से को सिर्फ और सिर्फ कराएंगे रैपिंग, और रैपिंग में काफ़ी सारे कलर आते हैं, बट ये है व्हाइट, तो व्हाइट ही लिया जाएगा। कंडीशन में आपको दिखाता हूँ ताकि पहले और बाद में आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये देखो, और जो पार्ट्स हैं उसको रैपिंग कैसे कर रहे हैं ये भी दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हो, और कटिंग करने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि आपको अपने इसमें जो है ग्राफिक करवा रखे हैं, ऐसा लगेगा आपको पेंट हो चुका है। ये देखो, सो ये देख सकते हो, ये कंप्लीट है। और इसका जो कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग वगैरह देंगे ना, वो देंगे अलॉय व्हील के साथ। और अलॉय व्हील का जो दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, अलॉय व्हील का क्या है सोच रहे हैं अभी, हो भी सकता है नहीं हो सकता, कलर कुछ दूसरा कलर का, मतलब ब्लैक या कुछ अलग सा, मतलब कुछ, तो वो आप देख ही लोगे वीडियो में, क्योंकि हमें भी नहीं पता कौन सा करेंगे। तो इसी कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ आइडिया के लिए। देखो ये इसमें क्या करा है, कुछ करा है इसमें, मडगार्ड लगाओ। अच्छा, तो गाइस इसको देखो पूरा रिस्टोर सर्विस वगैरह करके, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ से देख रहे हो, तो ये सब देख सकते हो। और मज़ा तब आता है जब पहले दिखा दो कि पहले कैसे दिख रही है, और बाद में जब एकदम बिल्कुल न्यू रहती ना तब आता है मज़ा। यहाँ से देखो आप कंडीशन इसकी, देखो ये बैंड पाइप वगैरह देख सकते हो आप, और टायर भी चेंज करोगे क्या? टायर नहीं, टायर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि इसको ज़मीन से आसमान पर लेके जाएंगे लुक में। तो लेग गार्ड पर हो सका तो जो थोड़ा सा ना, आजकल आपने देखा होगा अपने यूपी साइड में काफ़ी लोग लगाते हैं इस पर रोप रस्सी, बुलेट पे तो हर बंदा लगाता, तो वो भी लगाएंगे गाइस। तो करते कंप्लीट, आपको दिखाते हैं बीच बीच में कैसे कैसे अपडेट हो रहे हैं। इसके पार्ट्स वगैरह रैपिंग वगैरह काम चालू है, और सारे पार्ट्स के खोल दिए हैं। अब ये जो पार्ट रह गए हैं जो कि आप देख सकते हो, ये है। अब इस पर किया जाएगा पेंट। पेंट कौन सा करवाओगे दिलशाद भाई? मैट ब्लैक। दिलशाद भाई, गाड़ी है ये, और इस पर करवाएंगे ये मैट ब्लैक। और अभी कंडीशन आप देख सकते हो, वैसे मैंने सारी दिखाई दी थी आपको, लेकिन खुलने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखती है। अब जो प्रोसेस है वो है पेंट का, लेकिन पेंट का प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इतना आपको पता टाइम वगैरह नहीं होता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट जब पेंट होकर आ जाएगी जब दिखाऊंगा आपको मैं। तो पहले कर देते हैं पेंट, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जो पेंट का प्रोसेस था वो हो चुका है शुरू, आप देखते हो यहाँ पर मैट फिनिश दे दी गई है। अभी गाइस, इसमें फर्स्ट कोट मारा गया है, अभी इसमें सेकंड कोट मारा जाएगा, उसके बाद कंप्लीट होगा। यहाँ पर दोस्तों अलॉय व्हील्स को भी रिपेयर कर रहे हैं, मतलब पेंट ही हो रहा है, छोटे मोटे जो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना वो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, जो कि आप कुछ देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है। और जो बिल्कुल ही मतलब एक बेकार सी कंडीशन लग रही थी ना, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू और मैट फिनिश, एक अलग ही लेवल का टच आ गया। देखो यहाँ पर, ये देख सकते हो। और नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा वो मैं आपको दिखाई दूंगा वीडियो में। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game, now we say. I need a break.
सो गाइस जो पेंट था मैट वाला वो हो चुका है कंप्लीट, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और अब बारी है इसके जो पार्ट्स हैं जिस पर किसी व्हाइट कलर की रैपिंग वो इंस्टॉल करने की। देखो यहाँ बैक साइड में पार्ट इंस्टॉल कर दिया गया है और वहाँ देखते हो मडगार्ड भी कर रहे हैं। और ये देख सकते हो इसके टैंक वगैरह है, मडगार्ड है, सारे पार्ट्स साइड पर रखे हुए। देखो इसको भी लगाते हैं करके। ये देखो गाइस ये साइड के पैनल्स हैं, एक वाला पैनल है। ये देखो गाइस, ओ भाई साहब ये लो यार। तो गाइस आप कंफ्यूजन मत होना कि इस पे पेंट किया गया है, ये पेंट नहीं है, ये की गई है रैपिंग। और रैपिंग इतनी डिसेंट तरीके से की गई है, देखो कोई जज नहीं कर सकता कि रैपिंग की है। यहाँ से देखो तो पता चलेगा आपको। तो ये भी हाथ में फिनिशिंग वाली बात होती है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिखाऊंगा आपको करीब से तो पता चलेगा आपको। ये देखो जिस तरीके से यहाँ से, बाकी वाला पता नहीं चल रहा, अभी भी इसकी फिनिशिंग करनी बाकी है। तो ये वाले पार्ट अप करेंगे इसको इंस्टॉल, और फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे इंस्टॉल करने के बाद कैसा लुक आता है, बाकी ग्राफिक का भी इसमें काम किया जाएगा अभी। तो फाइनल गाइस जो आपकी टीवीएस अपाची आरटीआर 160 थी वो हो चुकी है कंप्लीट, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखाए, यानी कि शुरू शुरू में आपको दिखाया था कि कंडीशन इसकी कैसी थी, टैंक खराब हो रहा था। उसके बाद गाइस टैंक पे किया गया है रैपिंग, जो कि व्हाइट कलर की ली गई है, ये आप देख सकते हो। सीट को भी किया कस्टमाइज, सीट का कवर लगाया गया है। और गाइस यहाँ पर आप स्टिकरिंग वगैरह का प्रॉपर काम किया गया, ये आप देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। यानी कि इसको मॉडिफाइड नहीं किया गया, इसको रीस्टोर किया गया, यानी कि जो इसका एक्चुअल लुक था उसको इसके असली रूप में लाया गया, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर भी गाइस आपको अगर मैं दिखाऊँ स्टिकर ग्राफिक तो बिल्कुल जेन्युइन वाले लगाए गए हैं, ये देख सकते हो। और जो गाइस इसका लेग गार्ड था उस पर लगाया गया रोप, जो कि काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बल्की वाला फील आ रहा है यहाँ से देखने में, ये देख सकते हो। और पहले किसी कंडीशन कैसी थी इसकी और अब कैसी है गाइस आपके सामने है गाइस। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई ओल्ड गाड़ी है जो आपके पास सड़ रही है और आप उसको बेचना भी नहीं चाहते हो और चाहते हो आप उसको हमेशा रखना अपने पास, तो गाइस आप कुछ इस तरीके का करा सकते हो, यहाँ पर शॉप पर आ सकते हो, मॉडिफिकेशन करा सकते हो। चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो, पैशन हो, या आपके पास कोई भी मॉडल हो, बुलेट हो गाइस, तो किसी भी तरीके की कोई भी बाइक हो, टू व्हीलर हो, जिस तरीके से गाइस इसको रिस्टोर किया गया इससे ज़्यादा भी आप करा सकते हो, ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे। इसके अलावा जो इंजन के पार्ट थे गाइस उसको मैंने आपको बताया था मैट में, ये ग्लोसी में लेंगे तो मैट में लिया गया ब्लैक। और इसके जो अलॉय व्हील थे, यानी कि नीचे का जो पार्ट्स है, ये वाला पोर्शन सब ब्लैक में ले लिया गया है और व्हाइट कलर का, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट काफ़ी डिसेंट सा लुक आ रहा है यार। ये देखो सेम मॉडिफिकेशन आप 200 पे भी करा सकते हो, 4 भी हो चाहे आपके पास, या आपके पास 180 वाला हो तो उस सेगमेंट पे भी आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हो गाइज। और ये जो है ये काफ़ी डिसेंट सी है, और गाइज इसको मॉडिफिकेशन भी कह सकते हो, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये रिस्टोरेशन है गाइज। इसमें कोई फालतू मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, सिर्फ बाइक का जो एक्चुअल में जेन्युइन जो लुक होता है उसको उसके स्टॉक लुक में लाया गया। बाकी गाइस चाहो तो आप इसके ऊपर से मॉडिफिकेशन भी करा सकते हो, उसकी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर है जिसमें इसको फुल लोड कर रखा है, वो अगर आप देखना चाहो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन कर रखी है मैंने अपाची के सारे मॉडल पर, जिसमें मैंने अलग अलग मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाकर डाल रखी है गाइस, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये थी आपकी टीवीएस अपाची आरटीआर 160 की मॉडिफिकेशन। सो गाइस ये थी टीवीएस अपाची आरटीआर 180, आप ये सेम वर्क 204 वाले मॉडल पर कर सकते हो और 160 वाले पे भी कर सकते हो। अगर आपका कोई और बाइक हो उस पर भी आप सेम टू सेम वर्क कर सकते हो गाइज। तो बाकी अगर प्राइसिंग वगैरह की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से होता है आप किस तरीके का पेंट करवाते हो, कौन सी वाली रैपिंग कराते हो, तो ये अलग अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट। बाकी एक अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो 15-20 हज़ार रुपये के अंदर आप पूरी बाइक को नया कर सकते हो विद मॉडिफिकेशन। सो गाइज आज की वीडियो में इतना आपसे, तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।